बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो में जो चीज आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं मोटरसाइकिल, और ये है किसी की जिंदगी। इस मोटरसाइकिल की वजह से किसी के घर में उसके बच्चों का दूध आता है, उसकी माँ की दवाई आती है, उसके घर का किराया आता है, और मालिक मकान उसको जलील नहीं करता, क्योंकि वो किसी भी तरीके से 30-35 हजार रुपए कमा के 20 हजार के करीब किराया दे देता है। ये एप्लीकेशन मेरे पास आ रही है, उसमें बंदा लिख रहा है, नाम नहीं बता रहा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, एप्लीकेशन, FIR। क्या लिख रहा है? अपना नाम लिखता है, इतवार की शाम 7 बजे 23 तारीख को इस साल 2022 को मैं एक फूड राइडर कंपनी में ऑर्डर पिक करने गया तो पीछे से 2 लोग आए, मेरे सर पर गन रखी, मेरा मोबाइल और मेरी मोटरसाइकिल ले गए। अब मैं जहनी डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूँ, FIR कटवा चुका हूँ, मेरे घर में खाने का कोई इंतजाम नहीं है, मैं कैसे कमाऊं, मुझे कोई रास्ता बताया जाए, खुदा के वास्ते मेरी मदद कर दो, मुझे एक मोटरसाइकिल दिला दो। क्या 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल कोई मिडिल क्लास आदमी खरीद सकता है? दोबारा नहीं खरीद सकता भाई। तो मैंने मुखैर हजरात से रब्ता किया, खुदा के वास्ते अगर इस वक्त टीवी पे प्रोग्राम चल रहे हैं कि सिर्फ 1.5 महीने के अंदर कराची में कोई कह रहा है 30 हजार वारदातें हो गई, कोई कह रहा है 40 हजार वारदातें हो गई, कोई कह रहा है 50 हजार, नहीं रोक सकते आप जब तक आप लोगों की भूख का इंतजाम नहीं करेंगे, आप उनको नौकरी नहीं देंगे, आप कब तक बेरोजगार करोगे लोगों को? आप एक हर बंदे के साथ एक एक पुलिस वाला लगा दो तब भी नहीं रुकेगा भाई। जिसके घर में भूख है, उसके बच्चे तड़प रहे हैं, उसकी माँ तड़प रही है, उसको मालिक मकान थप्पड़ मार रहा है आगे के 3 महीने हो गए तुमने किराया नहीं दिया। हमने फिर दोबारा से पिछले साल की था, जिस तरह पिछले साल हमने मोटरसाइकिलें बांटी हजारों, मैंने अभी रब्ता किया बैरिया टाउन में बेस्ट होम्स के मालिक उबैदुल्ला सज्जाद साहब से, मैंने कहा सर लोगों मुसीबत में, उन्होंने कहा ठीक है क्या चाहते हो, मैंने कहा भाई आप मुझे 100 मोटरसाइकिलें दिला दें, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मुझे 1.5 करोड़ रुपए की मोटरसाइकिलें दें, आप मुझे पुरानी मोटरसाइकिल दिला दें लेकिन अच्छी होनी चाहिए, चले। उन्होंने कहा डन है, 100 मोटरसाइकिलें उबैदुल्ला सज्जाद साहब ने दे दी है, उसके अलावा 100 मोटरसाइकिलें कराची का बहुत बड़ा समाजी नाम है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इमरान कबाब जी साहब, 100 मोटरसाइकिलें उन्होंने दे दी है कि भाई मेरी तरफ से दे दो लोगों को। 25 मोटरसाइकिलें असद हनीफ साहब ने, हवेली रेस्टोरेंट के मालिक ने दे दी है। 25 मोटरसाइकिलें जो ड्राइविंग सिनेमा पे सल्तनत रेस्टोरेंट है, जो ड्राइविंग सिनेमा की जगह के मालिक है हारिस साहब, उन्होंने दे दिए। तो ये हो गई टोटल 250 मोटरसाइकिलें, यानी 250 खानदान जिनकी बाइकें चोरी हो गई है, उसे अपनी FIR, अपनी एप्लीकेशन और शनाख्ती कार्ड की कॉपी लाएं। जो पहली 250 एप्लीकेशनें होंगी उनको ये 250 मोटरसाइकिलें दे दी जाएंगी। और आपसे गुजारिश करूंगा इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ताकि किसी भी ऐसे शख्स से जिसकी बाइक छिन गई है और वो अपने हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, बीवी के ताने, घर की मुसीबत, मालिक मकान की टेंशन, जिस दुकान से राशन लेता है उसके ताने के भाई कल भी तो बच्चे के लिए दूध लेकर गए थे, कब दोगे पैसे? तो अब उनको ये सहारा मिल जाएगा वापस, और उसके बाद अपने बच्चों का महीना कमाए, 30-35-40 हजार रुपए की नौकरी लग जाती है, किसी भी फूड डिलीवरी की जगह में लग जाएगी, किसी भी राइडर कंपनी में लग जाती है, कोरियर कंपनी में। और अगर आप इस कॉज में सपोर्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़े इस कॉज में सपोर्ट करें, ताकि जिन जिन लोगों की मोटरसाइकिलें छिनी कम से कम उतना सपोर्ट करें। और एक अपील करूंगा हाथ जोड़ के फूड राइडर और कोरियर कंपनियों से, यार मोबाइल फोन तो आप दे सकते हो 10 हजार रुपए का, गरीब तो नहीं हो जाओगे, इस गरीब को सारा दिन धूप में दौड़ाते हो, एक मोबाइल फोन दे दोगे आप गरीब हो जाओगे, 80 रुपए घंटा दे रहे हो, 70 रुपए घंटा दे रहे हो उस गरीब बेचारे को। तो भाई ये आप कर दें, मोटरसाइकिलें हम दे रहे हैं, जो पहले 250 लोग आएंगे अपनी एप्लीकेशन लेकर उनको 10 दिन के अंदर मोटरसाइकिलें दे दी जाएंगी, नई नहीं होंगी लेकिन मोटरसाइकिलें होंगी अच्छी कंडीशन में। इस वीडियो को लाजमी 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 शेयर करें, और अगर कोई हुकूमती अरकान या कोई पैसे वाला आदमी या शेयर दिख रहा है भाई आगे बढ़ो, मदद करो, लोग मुश्किल में।